From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, I'm a fire burning bright. I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. ये है हमारा डे टू और क्या मज़ा है यार रात में, मतलब रात भर हम लोग घूम ही रहते हैं, जैसा बोलते हैं ना फुल दमन गोवा वाली वाइब देता है यार, फुल ऐसा जैसा हम गोवा में रात भर घूम रहे थे वैसे ही इधर सब चालू था। फिर रात में 3-4 बजे के आसपास हम लोग घर पे आए, मतलब रूम पे आए, वहाँ पे फिर सोने का देखे, 3-4 बजे के टाइम हम लोग सोए। फिर अभी सुबह उठे हैं, अभी बज रहे 8। अभी कुछ नहीं, अभी सिंपल सा प्लान है आज यहाँ से चेकआउट करना है, और कुछ हमारे बाइकर्स ब्रदर है दमन में, वो लोगों ने DM किया कि भाई हम लोग भी यही एरिया के इधर आके मिलो करके, तो एक छोटा काइंड ऑफ मीटअप समझ लो, तो उनसे जाके मिल लेंगे, और मिलने के बाद फिर से रूम पे आके अपना पैकिंग वगैरह करके यहाँ से निकलेंगे। फिर यहाँ से एक रफली प्लान बता देता हूँ कि यहाँ से एक प्लान है जो है, यहाँ से भी हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी के बाद फिर उधर से यूनिटी में थोड़ा रुकने के बाद फिर सीधा निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। तो ये एक रफली प्लान है, अब इसमें देखते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारे प्लान कभी फिक्स नहीं रहते, ऐसा नहीं रहता हाँ ये टाइम पे ये करना है ये करना है, अरे चलो जो हो रहा है होने दो, थोड़ा क्या राइड का टाइमिंग बढ़ जाएगा ना, बाकी कुछ नहीं, और एंजॉय पूरा होना चाहिए। तो वही अभी जाते नाश्ता करता हूँ पहले जाके, और देखते कौन कौन आ रहा है, अभी बस शूट करना बाकी है, नाश्ता करना बाकी है, अभी तक बहुत लेट हो गया यार। हमारी फ्यूरी ये रही सामने, सो लेट्स गो, चलो। सो ये आ गया हमारा नाश्ता, और ज़्यादा लाइट, मतलब ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं कर रहे, बस लाइट लाइट, एक सैंडविच लिया और एक चाय ले लूँगा बस, और उसके बाद हमारी राइड स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग जाएंगे यूनिटी, और देखते हैं आगे कहाँ गए अभी। ओके, तो दमन में भी हमारे पास सुपर बाइक से इधर, और डायरेक्टली फैट बॉय, फैट बॉय का क्या अलग फील है यार, मतलब लिटरली क्या हैवी मशीन है ये। इसके पहले भी मैंने फैट बॉय चलाई है, मगर यार ये बहुत सही लग रही है आज। और इसका इग्निशन जो की का सिस्टम है ये भी देखो कितना मस्त, बटन जैसा चालू होती है, फुल यार अलग ही मशीन है ये, और अच्छा लगा। मतलब अभी गुजरात में तो मैं किसी को जानता भी नहीं था, दमन में भी नहीं, रोहित भाई ने मेरे से कांटेक्ट किया इंस्टा पे, और हम लोग मिले, और यार बहुत सही लगा रोहित भाई मिल के, बहुत सही लगा आपसे। फील ही अलग है यार, नेक्स्ट लेवल फील है ये। मतलब ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी बीस चला रहा हूँ मैं लिटरली, मतलब क्या हेवी है ये। ये सब बाइक पे लॉन्ग राइड करना मतलब यार बहुत सही सीन है, बहुत सही, जरा भी तकलीफ नहीं, देखो कितना कंफर्टेबल राइड हो रही है इधर लिटरली। फैट बॉय इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन है लिटरली। तो मैं तो स्पोर्ट्स बाइक लवर हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पावर पसंद है, मगर यार ये मशीन चलाने के बाद आज कुछ अलग ही मज़ा लग रही है, तो लग रहा है हाँ मैं कुछ अलग चीज़ चला रहा हूँ लिटरली, यार मज़ा आ गई। आओ आप लोग को रोहित भाई से भी मिलाता हूँ। क्या हैवी चीज़ है ये, इसका कैसा है, स्टैंड लग गया ना। बहुत अलग फील है यार इसमें,
लॉन्ग राइड तो बहुत इजीली हो जाएगी इसके ऊपर, लॉन्ग राइड करना मतलब मतलब एक एक स्ट्रेच में हम लोग 500-500 किलोमीटर काट देते हैं। हाँ वो एकदम मतलब कुछ फील ही नहीं होगा, कितना कंफर्टेबल है एकदम। सिर्फ फ्यूल ब्रेक के लिए रुकते हैं 200-250 पे, वापस निकल जाते हैं। ओए गाइस ये रोहित भाई, थैंक यू रोहित भाई, आपके वजह से इधर दमन में कांटेक्ट निकले बाइक चलाने के लिए और एक फैट बॉय चलाने मिल गए इधर। अच्छा लगा आपसे मिल गया। थैंक यू थैंक यू। बाकी कब से ये बाइक कब से चला रहे हो आप, ये वाली एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा ये बाइक के बारे में। ये बाइक के बारे में 2017 से लिया है मैंने। हाँ और उसके पहले यामा 1000 था, तो काफ़ी टाइम हो गया, बट फिर स्पोर्ट्स ज़्यादा जम नहीं रहा था तो टूरिंग के लिए फिर यही मैंने खरीदा। मतलब डायरेक्ट स्पोर्ट्स से सीधा टूरिंग में आ गए। हाँ। पूरा पाथ ही चेंज कर दिए। नहीं मगर बेस्ट एकदम ये। हाँ हाँ चलेगा, चलो बाय। अच्छा लगता है यार ऐसा मिलके। चलो आए इतना दमन पे और ये रोड इतना खाली, तो एक गिली तो बनती है। दमन में सबसे मिलके भी हो गया, शूट करके हो गया, सब हो गया। अभी अभी इधर से हम लोग को निकलना है यूनिटी, और फिर यूनिटी से निकलना है अहमदाबाद, और मे भी अभी बहुत लेट होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा ये। तो चलो देखते, उसमें कुछ नहीं है, वैसे भी रूम हमारे बुक है तो हम कभी भी जाओ ऐसा कोई इशू नहीं है। बस इतना है कि हाँ रात में थोड़ा ट्रैवल करना मेरे को, मतलब बोलते ना रिस्की इन द सेंस, विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती रात में, तो इसके लिए डे टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर लो वो बेटर रहता है। ऊपर से अभी धूप हो गई है पूरी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हाईवे हमें पकड़ना होता है, वही हाईवे पे अभी हम लोग, बस अभी यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, ये हाईवे हमें एंड तक नहीं छोड़ना है, सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी। बस बस इतना ही, टाइमिंग थोड़ा गलत हो गया हमारा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, देखते। और ऐसे मुझे लग रहा है कि अगर जल्दी नहीं गया तो मेरे टाइमिंग तक स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं, 6 बजे वो बंद हो जाता है, जाने के लिए 4-4.5 घंटे तो लगने ही वाले हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर तो आराम से है। और इतना का अभी कोई ब्रेक नहीं रहेगा, बस एक फ्यूल का ब्रेक रहेगा हमारा, एक बार पेट्रोल फुल कर दूंगा ना तो वो भी टेंशन चला जाएगा। दमन में आके मज़ा आए, कुछ सब्सक्राइबर से मिला, कुछ भाई लोग से मिला, मतलब बोलते ना बाइकर ब्रदर्स जो बस ये इंस्टा पे जानते थे उनसे मिला, अच्छा लगा दमन में आके। देखते हैं अभी तक तो यूनिटी बाकी है, अहमदाबाद में भी अभी हम रहने वाले, जो भी अहमदाबाद से देख रहे रहेंगे आ जाओ। पेट्रोल पंप मिल गया तो पहले टैंक फुल कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता किधर रुकना, ऑलरेडी मेरे को लेट हो चुका है, और अभी कोई ब्रेक हमें नहीं होना। क्या हो गया इसको, जाने से पहले दिखाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, कुछ तो हुआ है यार इसको। कुछ तो मे भी सेंसर में कुछ इशू है। चलो कितना बेटा, 710। मैं ओवरऑल बजट तो बता ही दूंगा कितना हुआ है, कितना पेट्रोल ओवरऑल गया मैं, क्योंकि सबके बिल रखे हैं मैंने, तो एंड में मैं एक ब्लॉग बना ही दूंगा कि पूरा इटर्नी जो था मेरा उसमें कितना मेरा गया। चलो अभी कोई ब्रेक नहीं लेना है, अभी सीधा यूनिटी। तो ये रोड ट्रिप का ये 3rd टोल प्लाजा है, आई डोंट नो ये कौन सा है और किधर का है। प्लान
में बहुत सही चेंज किया है हम लोग ने। हम लोग को लगा था स्टैचू ऑफ यूनिटी कर लेंगे आराम से, बट जैसे टाइम का कैलकुलेशन किया मेरे को लग रहा नहीं है स्टैचू ऑफ यूनिटी आज कर पाएंगे हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट अहमदाबाद ही निकल जाऊँ, तो डेट विल बी बेटर फॉर मी। मोस्ट प्रॉब्ली तो वही करने वाला हूँ मैं अभी, कि मैं यहाँ से डायरेक्ट अहमदाबाद निकल जाऊँगा। बस इतना का थोड़ा स्ट्रेच बहुत बड़ा हो जाएगा वो, क्योंकि डायरेक्ट दमन से अहमदाबाद हम लोग ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर एक साथ मारने वाले, तो स्ट्रेच थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट ठीक है, पूरे दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए फालतू में। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी रहेगा वो मैं रिटर्न आने के टाइम भी कर सकता हूँ, वैसे कोई इशू नहीं, वो मेरे रूट में ही लगेगा। तो मोस्टली तो वही करने वाला हूँ मैं अभी। वैसे धूप ने जो हालत ख़राब की है ना, लिटरली बहुत हालत ख़राब हो गई धूप से, ये पूरा एग्जॉस्ट हो रहा हूँ अंदर से। ऊपर से हमारी RRB जो है थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है राइड पे, जो मतलब स्टार्ट करने के टाइम कुछ तो थोड़ा इशू हो रहा है उसमें, मे बी बैटरी इशू है या क्या पता नहीं अभी वो, देखते हैं। और क्या क्या राइड में नया नया फेस करने मिल रहा है, पर बाकी सब बढ़िया है। फिफ्थ टोल हमारा, और अब भी ये टोल पे जो रोड मिलेगा ना यार, लाजवाब रोड है। चाय इज़ अ लव, चाय इज़ अ लव। एक चाय ब्रेक बनता है अभी, वैसे ही 4:30 बजे का टाइम हो गया है। यस, सो चाय पी के जो फ्रेश हुआ हो ना यार, मतलब बोले ना किधर भी जाओ चाय इज़ अ लव। चाय पीने के बाद पूरी थकावट ही निकल जाती है, और ये ब्रिज फुल मतलब बोलते ना मिनी सेलिंग दिख रहा है मेरे को ये। अभी हम लोग है शायद भरूच में, या हम लोग अभी भरूच में है, और यहाँ से अभी भी 189 या फिर 200 किलोमीटर अभी भी हमारा होटल है यहाँ से, तो अप्रॉक्सली 3 से 4 घंटे का रास्ता है अभी भी। और अभी कुछ नहीं लगेगा राइड करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा धूप कम हो गई है, अभी शाम का टाइम हो गया, 5:45 बज गए, तो अभी कुछ इतना लग नहीं रहा है। बस ये हाईवे पे राइड करने को थोड़ा बोर इसके लिए, क्योंकि बस स्ट्रेट चलाना है, ज़रा भी राइट नहीं लेफ्ट में कुछ नहीं, बस स्ट्रेट चलना है। लोकेशन का अपडेट दे दूँ तो वी आर इन वडोदरा, और यहाँ से अप्रॉक्स अहमदाबाद रहेगा अभी 120 किलोमीटर आई गेस। अरे इधर से साइन बोर्ड आ गया इस पर तो पता भी चल जाएगा। और हम लोग कंटिन्यू राइड कर रहे हैं सुबह से, लिटरली मतलब हर 100 किलोमीटर का ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि लगेज की वजह से लेना पड़ रहा है ये ब्रेक, अदरवाइज इतना भी ब्रेक हम नहीं लेते थे। और वो ब्रेक इन द सेंस इतना बड़ा बड़ा ब्रेक नहीं ले रहे, बस बॉडी फ्री कर रहे हैं, फिर से बैठ रहे हैं, फिर चाय वगैरह पी के फटक से बैठ रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ा ब्रेक तो ले नहीं रहे। अभी बड़ा ब्रेक हम जब लेंगे वो सीधा रहेगा अहमदाबाद, रोको अहमदाबाद है इधर से 126 किलोमीटर, वडोदरा है 10 किलोमीटर लेफ्ट में, तो अभी लेफ्ट में तो हम जाने वाले नहीं, हमें स्ट्रेट जाना है। तो बस 124 किलोमीटर बाकी है, ऐसे ही बोल बोल के खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। लिटरली बॉडी पेन कर रही है अभी, क्योंकि RR 3 डे में मैं कभी इतना कंटिन्यू राइड नहीं किया था। लास्ट टाइम हम गोवा भी गए थे, तो गोवा के टाइम में हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रेक ले रहे थे, जहाँ पर हम रुक रहे थे वही रुक जा रहे थे। पूरा गोवा सीरीज तो आप लोगों ने देखी हुई, नहीं देखी तो इधर आई बटन में लिंक भी मैं उसका पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा, एक बार चेकआउट कर लेना। वैसा ये वैसे नहीं है, इधर हम कंटिन्यू राइड कर रहे हैं, तो इसके लिए अपनी भी लिमिट पता चल रही है, और RR की तो कोई लिमिट ही नहीं, उसका मेरे को कोई टेंशन नहीं है, वो परफेक्ट काम कर रही है। मैं पूरा दिन हो गया मैं बाइक ही चला रहे हैं, और सनसेट होने आ गया अभी, पूरा प्रॉपर है वो पिंकिश पूरा सनसेट हो गया, क्लाइमेट पूरा एकदम पिंक हो गया इधर अभी। जितना दोपहर में गर्म हो रहा था उतना अभी एकदम चिल लग रहा है, क्या क्लाइमेट और व्यू क्या दिख रहा है यार। ऐसे क्लाइमेट में तो दिन भर गाड़ी चला सकते हैं हम, दिन भर ही गाड़ी चला रहे वैसे तो